हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, क्या आपके पास एक बैंक अकाउंट है? यदि हाँ, तो आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके एक सही बैंक अकाउंट से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मैं मिथिलेश आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राइट क्लिक में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही चैनल पर क्लिक किया है, जिसका नाम है राइट क्लिक और जिसका काम है राइट इंफॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो आपको आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करिए इस बटन पर क्लिक करके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आपके बैंक अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो SBI आपको प्रोवाइड कराता है एक बहुत ही अच्छा सैलरी अकाउंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। ये सैलरी पैकेज का नाम है, जिसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, जिसको बैंक में शॉर्टकट में बोला जाता है CGSP। तो इसमें आपको क्या फायदा है? तो सैलरी अकाउंट अंडर SCGP ऑफर अ लोड्स ऑफ बेनिफिट। एक यदि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तब ही आप अपना अकाउंट इस पैकेज में खुलवा सकते हो। और यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट खुल चुका है तो आप उस अकाउंट को CGSP पैकेज के अंदर कन्वर्ट भी करा सकते हो। तो दोस्तों, इसमें देखो क्या क्या एडवांटेज हैं, नीचे दिए हुए हैं। ये आपके ये बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयर के, मतलब जो जहाँ पे आप जॉब करते हो वो एम्प्लॉयर है आपका, उसके एडवांटेज हैं, उसके बेनिफिट है, हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो देखिए इसमें मैं आपको मेन बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें एक तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपका ये अकाउंट है जो जीरो बैलेंस पे मेंटेन होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट फैसिलिटी विथ नो पेनल चार्जेस और नो मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आजकल जो सभी बैंक्स SBI भी जैसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक मेट्रो सिटीज़ में 5000 और नॉन मेट्रो सिटीज़ में है जो 3000 मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के अंदर है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी है जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज है कि फ्री ड्राफ्ट RTGS और NEFT फैसिलिटी। दोस्तों, कई अगर आपका नॉर्मल सैलरी अकाउंट नॉर्मल अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो उसमें जब आप NEFT या RTGS ट्रांसफ़र करते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अकाउंट ट्रांसफ़र करने जाते हो, तो वहाँ आपका एक बैंक कमीशन चार्ज करता है उस ट्रांसफ़र, आपने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में, तो वहाँ पर आपको एक जो अमाउंट के कितना बड़ा है उसके बेस पे आपसे एक कमीशन चार्ज करता है। लेकिन अगर आपका सैलरी पैकेज इस पैकेज के अंदर है अकाउंट, तो आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी फैसिलिटी इसके अंदर है वो ये है कि आप इजी ओवर ड्राफ्ट अप टू 2 मंथ सैलरी ले सकते हो।
मतलब कि आप ओडी ले सकते हो अपने, आपकी जो 2 महीने की सैलरी है वो एज अ ओवर ड्राफ्ट आप एज अ कभी भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको बैंक में जा कर के एक फॉर्म फिल करना होगा और आप इजीली 2 महीने की सैलरी एडवांस में कभी भी ले सकते हैं, जिसको आपको विद इन 6 मंथ्स पे करना होता है इंस्टॉलमेंट्स में। और वो आपके वो उस पर है जो इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप जो अपने वो जैसे सपोज आपकी 30,000 सैलरी है तो आपने 60,000 तक आप ले सकते हो। 60,000 में से कब अगर आपके अकाउंट में अगर 0 बैलेंस है और 60,000 आपने ओडी निकलवाई है तो आपके अकाउंट में शो कर देगा 60,000। अब उसमें से आपने सपोज 10,000 ही आपने यूज़ किया है तो आपके पूरे 60,000 का पैसा नहीं लगेगा। अगर केवल जो 10,000 आपने उसमें से यूज़ लिया है, आपने निकाला है या आपने किसी को ट्रांसफ़र किया है, तो उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। पूरे पूरे अकाउंट पर, पूरे अकाउंट में जो ओडी का पैसा है पूरे पर नहीं लगेगा। और अगर आपने 2 दिन के लिए यूज़ किया है तो 2 दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा। अगर 2 दिन के बाद आपने वापस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया आपने, तो फिर से आपका आपका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। तो ये फैसिलिटीज़ है, इसको आपको ओडी से ओडी को आपको 6 EMIs में पे करना होता है। ऑटोमेटिक वो बैंक है जो आपके अकाउंट में से काट लेता है, जैसे आपके जिस दिन आपका ओडी अप्रूवल होता है उसके नेक्स्ट महीने से, उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ की डेट से, उसी डेट से आपका ओडी में से आपके अकाउंट में से पर्टिकुलर अमाउंट काट लिया जाता है। जैसे 60,000 लिया तो 10,000 आपसे काट लेगा। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि है जो SMS अलर्ट्स के लिए नॉर्मल सैलरी अकाउंट के अंदर या नॉर्मल सेविंग अकाउंट के अंदर आपसे हर क्वार्टरली हर 3 मंथ में आपसे 15 रुपीज़ या कुछ चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। आपने आपको शायद अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, आप जो कभी अपनी पासबुक प्रिंट करवाइएगा तो उसमें आपको देखेंगे कि आप जो उसमें 15 रुपीज़ करके हर क्वार्टर में आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो वो चार्ज जो किए जाते हैं वो SMS अलर्ट्स जो आपको बैंक देता है आपके विड्रॉल पर, आपके डिपॉजिट पर, जो आपको मैसेज आता है कि आपने इतने 10,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ विड्रॉल किए ATM से, वो सब उसके लिए अलर्ट्स के लिए आपसे चार्ज किए जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट बड़ा जो बेनिफिट है वो मैं बता दूँ कि इसमें आप डीमैट फैसिलिटी है, डीमैट अकाउंट आप ओपन करा सकते हो जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इजीली। आपको डीमैट अकाउंट दोस्तों एक और जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इस अकाउंट का इसमें है जो आप है जो फ्री मल्टीसिटी चेक मिलता है आपको, जो नॉर्मली आप है जो नॉर्मल अकाउंट में फर्स्ट पे चेकबुक आपको फ्री मिलती है, लेकिन इस अकाउंट में आपको कितनी भी चेकबुक आपको जब चाहिए होती है, नेक्स्ट टाइम जब आप एक चेकबुक ख़त्म हो जाती है सेकंड चेकबुक इशू करवाते हैं तो नॉर्मल अकाउंट में आपसे उसके लिए पैसे लिए जाते हैं पर चेक के हिसाब से, 3 रुपये, 5 रुपये है जो पर चेक के हिसाब से। अगर आपने 10 चेक वाली चेकबुक मंगवाई है तो 50 रुपीज़ या 30 रुपीज़, और 50 चेक वाली चेकबुक मंगवाई है तो उसके हिसाब से आपको पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें आपसे कोई चेकबुक का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा आपसे, आपको फ्री है। आपकी एक चेकबुक ख़त्म हो गई आप दूसरी ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, और सेकंड दूसरी ख़त्म हो जाने के बाद तीसरी ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको ये टोटली फ्री है। एक और दोस्तों इसमें है जो आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे डेबिट कार्ड तो हर एक अकाउंट में मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको पता नहीं है आपसे है जो ईयरली है जो 100 रुपये या कुछ चार्ज किया जाता है, लेकिन इससे इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इसमें आपको गोल्ड डेबिट कार्ड मिलता है या फिर जिसकी हायर सैलरी होती है ऑफिसर्स होते हैं उसको डायमंड गोल्ड एंड डायमंड मिलता है। देखो इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें आपको सिल्वर होता है तो आपका 40,000, अगर गोल्ड कार्ड है आपके पास तो 50,000 आप पर डे निकाल सकते हैं अकाउंट से एक बार, मतलब एक दिन की लिमिट आई है। और अगर आपको गोल्ड कार्ड है प्लेटिनम है तो आपको 1,00,000 रुपये तक आप निकाल सकते हो। तो ये इसके एडवांटेज हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट है जो सैलरी पैकेज में है या नहीं है, तो आपको क्या करना है उसके लिए आपको जो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग में जाकर के आपको पता कर सकते हो कि वहाँ पे लिखा होता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में
डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, जिससे मैं आपको लॉगिन होकर एक अकाउंट में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक मैं नॉर्मल अकाउंट में लॉगिन हुआ हूँ। इस नॉर्मल अकाउंट में क्या है कि आपको आपका ऊपर अकाउंट नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे लाइन में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखिए यहाँ पे जनरल पब्लिक इंडियन नॉन रूरल अकाउंट, तो ये आपका नॉर्मल जनरल अकाउंट है जिसमें आपको वो सभी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। और है जो यहाँ पे आपको जो हर चीज़ के लिए चार्ज देना होगा, लेकिन मैं एक और आपको जो स्कीम मैंने बताई है उसके अंदर जो अकाउंट है वो भी बता देता हूँ, उसमें वो कैसे दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, इस अकाउंट में यहाँ पे लिखा हुआ है RSP पब्लिक इंडियन गोल्ड INR, तो ये RSP है और इसमें गोल्ड कार्ड इशूड है। तो इसमें है जो आपको देखिए MOD फैसिलिटी है। MOD में क्या है ना कि अभी इसमें ऑटो स्वैप एक्टिवेट नहीं है, ये इसमें ऑटो स्वैप एक्टिवेट करवाना होता है कि मेरा अगर 10 तारीख के बाद में मेरे अकाउंट में अगर जितना भी पैसा बचता है, मान लो 1 से 10 तारीख में आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंस हो जाने के बाद में 10 तारीख के बाद में जो पैसा बचता है वो पूरा का पूरा पैसा MOD में चला जाए, और वो बैलेंस इस बैलेंस में शो करने की बजाय यहाँ पे शो करेगा। तो और इसमें ये पैसा लॉक भी नहीं होगा, आप जब चाहे जब ATM से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए, जो आपका अकाउंट अगर आपका जनरल पब्लिक स्कीम में है, नॉर्मल जनरल स्कीम में है, तो इसमें अगर आपको कन्वर्ट करवाना, तो आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बैंक जाने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। आपको एक तो ऑफिस का ID कार्ड, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो वह उसका ID कार्ड लेके जाना होगा, प्लस आपको एक सैलरी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा अपने ऑफिस से कि आपकी इतनी इतनी सैलरी इस एम्प्लॉय की आप ड्रॉ करते हैं पर मंथ। तो इस सैलरी सर्टिफिकेट आपके ऑफिस से बनवा के वो लेके जाना पड़ेगा, और आपको बैंक जा करके आप इसको डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, बैंक में से मिलिए कि मेरा ये अकाउंट इसमें चेंज कर दीजिए, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अभी जो बैंक से जो काफ़ी सारे चार्जेस जो ले रहे हैं, हर चीज़ का ट्रांजेक्शन चार्जेस ऐड कर दिए हैं, अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो उसके चार्जेस ऐड कर दिए, तो वो सभी चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। ऑटो स्वैप फैसिलिटी, जैसे कि मैंने बताया, आप अगर आपकी सैलरी 30,000 है और उसमें से हर महीने आप 20,000 रुपये खर्च कर देते हो, तो बैंक क्या करता है, बचे हुए 10,000 पर आपको नॉर्मली अगर हम देखें तो 4% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देता है ईयरली। लेकिन अगर आप इस स्कीम में अगर आपका अकाउंट है, तो आपका पैसा 10,000 ऑटोमेटिकली ऑटो स्वैप हो जाएगा, वो अमाउंट सरप्लस हो जाएगा और एक MOD अकाउंट के अंदर चला जाएगा, और वो पैसा है जो आपके नियर बाई 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देगा। और ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट लॉक हो जाएगा, जब भी आप विड्रॉल निकालने जाएंगे, आप ATM से या जो बैंक में जा कर के पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, वो नॉर्मली जस्ट आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है ऐसे ही रहता है, लेकिन आप उसमें आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ फैसिलिटीज़ थी। इसमें है जो अगर आप रेलवे में सर्विस करते हैं तो यही जो सैलरी पैकेज है जो आपको मिलता है, एक RSP के नाम से रेलवे सैलरी पैकेज, उसके लिए अलग से है, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए रेलवे सैलरी पैकेज है। और अगर आप किसी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो आप इसके लिए डिमांड कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के नाम से, CGSP बोल सकते हो बैंक में जा कर के। और अगर आप जैसे पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हो तो पोस्ट ऑफिस में भी एक अलग से पोस्टल सैलरी पैकेज करके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक अकाउंट होता है, तो उसमें उसके लिए भी आप डिमांड कर सकते हो। तो ये अलग अलग जो अलग अलग कैटेगरीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सबके लिए अलग अलग होता है। आप है जो अपने बैंक से जा करके आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में और डिटेल में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो ऐसे ही आप जो सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए मेरे वीडियोस को, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल राइट क्लिक से।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।